Hey guys, welcome back to our channel and with another new video. तो guys, आपको आज हमने बताएंगे कि आपको एक low budget fish tank बना के अच्छा खासा income किस तरह से कर सकते हैं और एक छोटा सा एक आप part time की तरह भी ये किस तरह से कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो पे discussion करेंगे. तो दोस्तों, ये जो वीडियो है दोस्तों, ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है और ये इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आपको एक छोटा सा एक फीस पॉन्ड बना के आप अच्छी तरह से कुछ कैसे इनकम कर सकते हैं और एक अच्छा खासा आपके पॉकेट मनी के हिसाब से कुछ थोड़ा बहुत पैसा भी आप अर्निंग कर सकते हैं. तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले, चैनल पर आप अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों, आप अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए. बेल का आइकन भी पास है, उसको भी प्रेस करके ऑल पे प्रेस कर लीजिए. तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं. तो गाइज, जिस तरह की यह आपने देख रहे हैं, ये है मेरा एक गप्पी फार्म. गप्पी फार्म मतलब गप्पी फिश जो होता है, लाइव बियरिंग फिश होता है. मतलब हम उसमें से अच्छी खासी ब्रीडिंग मिल सकता है हम इससे और हम एक अच्छा छोटा बिजनेस हम भी चला सकते हैं. तो गाइज, आप बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि किस तरह से हमको मतलब गप्पी का मतलब गप्पी तो नहीं, सिर्फ मछलियों का ब्रीडिंग सेटअप किस तरह से करना है और किस तरह से हम उनके बच्चे निकालना है. बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं दोस्तों, और किस तरह से हम उनके टैंक सेटअप करते हैं और किस तरह से उनको खाना पीना देते हैं, क्या कह देते हैं, वो ये सब दोस्तों आपको मेरे चैनल पे अवेलेबल हो जाएगा. जो भी आपका क्वेश्चन हो मछलियों का रिलेटेड, आप मुझे कमेंट पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, जहाँ पे भी चाहे पूछ सकते हैं. मैं आपको जल्द से जल्द मेरे हिसाब से आपको रिप्लाई देने के लिए ट्राई करूँगा. तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि एक अच्छा खासा आपको एक अर्निंग मिले, आप एक छोटा सा पार्ट टाइम तरह की आप अगर करना चाहते हैं तो गप्पी, मल्ली, प्लाटी, सोटेल, ये सब जो फीसेस है आप इनका ब्रीडिंग आप करा सकते हैं और ब्रीडिंग करके अच्छा खासा अर्निंग भी कर सकते हैं. क्योंकि दोस्तों, ये बहुत जल्द बहुत फास्ट ब्रीडिंग करते हैं और आपको एक अच्छा क्वांटिटी में फीस भी प्रोवाइड कर सकते हैं. आप अगर मेल फीमेल के रेशियो हिसाब से अगर आप एक पॉन्ड पे छोड़ दें तो आपको एक अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा और एक अच्छा अर्निंग भी आपको एक तरह के हो जाएगा. तो दोस्तों, चलिए पहले बात करते हैं किस तरह के टैंक आपको सेट करना है. अगर आपके एक थोड़ा बहुत जगह है, थोड़ा बहुत खुली जगह है, तो दोस्तों आप लोग जो है एक छोटा सा ब्रीडिंग सेटअप तैयार कर सकते हैं. चाहे आप छत के ऊपर हो या फिर आपके आंगन पे अगर थोड़ा बहुत जगह है तो आप एक बहुत ही अच्छा एक सेटअप चला सकते हैं. देखिए, बहुत लोग कहते हैं कि मछलियों को कांच के एक्वेरियम से रखना ही सही होता है. देखिए दोस्तों, मछलियों का ऐसा कोई बात नहीं, आप जहाँ पे भी रख के अपने ये जो मछली मैंने कहा ये सबको ब्रीडिंग आप करा सकते हैं. और दोस्तों, मछलियों को ब्रीडिंग कराना भी इतना भी ज़्यादा मतलब टेंशन की बात नहीं, आप अच्छी तरह से आपके मछली के जो है ब्रीडिंग करा सकते हैं. ठीक है, ब्रीडिंग प्रोसेस तो मैं हरदम बताता रहता हूँ. तो दोस्तों, आप एक कोई भी एक सस्ता वाला टैंक खरीद सकते हैं. जिस तरह से मैं अब यहाँ पे मेरा जो जितना भी टैंक है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं पूरा, ये फ्रिज बॉक्स है. ये फ्रिज बॉक्स तो आपको कहीं पे भी कबाड़ से भी मिल जाएगा. ये अब अगर आप लेना चाहते हो तो वो भी ले सकते हैं. फ्रिज बॉक्स को लेकर थोड़ा सा एनसील डाल के, अच्छी तरह से साफ़ सफाई करके, पानी डाल के आप मछली भी छोड़ सकते हैं. उससे भी आपका बहुत अच्छा एक सेटअप बन सकता है. नहीं तो आप अगर आपके छोटा कोई जगह है तो थर्मोकूल बॉक्स आता है, पुराना थर्मोकूल बॉक्स आप ले आइए. अगर उसमें लीकेज है तो आपके इसके ऊपर आप पॉलीथीन डाल दीजिए, जो फिलामेंट पॉलीथीन होता है वो डाल दीजिए. उसके बाद दोस्तों, आपने देखिएगा कि आपका ब्रीडिंग सेटअप उससे भी तैयार हो जाएगा. और दोस्तों, ऐसा भी हो सकता है. और बहुत सारे टैंक मिलता है, मतलब जो नहाने का टैंक, जिस तरह से वहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा एक वहाँ पे है,
इस तरह के टैंक है, तो इस तरह के टैंक भी आप ले करके आप अपना ब्रीडिंग सेटअप चला सकते हैं मछलियों का, ठीक है। और दोस्तों इसके बात रही फिर पानी आपको कैसे सेट करना है, तो मैंने पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ कि आपको थोड़ा सा पुराना पानी चाहिए, ओल्ड वाटर आपको हमेशा चाहिए मछलियों के लिए। अगर आपके पास नल है, नल का पानी आप यूज़ करते हैं, मतलब जो सप्लाई वाटर अगर आप यूज़ करते हैं, तो सप्लाई वाटर में थोड़ा बहुत क्लोरीन रहता है, तो आप एंटी क्लोरीन डाल सकते हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि सबसे अच्छा है पुराना पानी आप यूज़ करिए, ताकि आपका जो पानी का जो प्रॉब्लम है वो जो भी प्रॉब्लम हो वो सॉल्व हो जाएगा। पानी को 2-4 दिन अपने स्टोर करके रख दीजिए, तो फिर आप उस वो पानी को आप मछलियों के अंदर डाल दीजिए, तो आप देखेंगे कि आपकी मछली भी बिल्कुल सही रहेगा। जब भी आप कोई टैंक वगैरह के पानी चेंज करें, थोड़ा बहुत आपको जो रॉक सॉल्ट होता है जो गाय भैंसों को दिया जाता है जो सॉल्ट, वो सॉल्ट आप डाल दीजिए, तो मछलियों का कोई भी दिक्कत नहीं होगा और मछलियों में कोई इतना ज़्यादा बीमारी भी नहीं आएगा। तो दोस्तों इस तरह से भी आप कर सकते हैं। और रही बात जो है थोड़ा सा इनको मछलियों के टैंक को थोड़ा सा डायरेक्ट जो धूप है थोड़ा सा बचा के रखें, थोड़ा सा मतलब एक डायरेक्ट सनलाइट ना दे करके थोड़ा सा हल्का सनलाइट दे, ठीक है। क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट से क्या होता है, मछलियों के पानी जल्दी ख़राब हो जाता है और आपको बार बार वाटर चेंज करना पड़ता है। तो दोस्तों थोड़ा सा छाव रखिए, पानी को थोड़ा सा ढक के मतलब एक सेट बना दीजिए, जिस तरह से मैंने यहाँ पे डाला हुआ हूँ, ग्रेनेट डाला हुआ है देख सकते हैं, इस तरह के सेट भी आप डाल सकते हैं, क्योंकि मेरा यहाँ भी डायरेक्ट सनलाइट पड़ता है। यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल ही क्लियर वाटर है मेरा, पूरा ही आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा, जो भी टैंक को देखो पूरा ही क्लियर वाटर आपको नज़र आ रहा होगा। तो इस तरह से आपका सेटअप कर सकते हैं। तो रही बात आप कौन सी मछली छोड़े, कौन सी मछली आप ब्रीडिंग चला सकते हैं, तो ये दोस्तों आपके ऊपर बिल्कुल डिपेंड है आपके बजट के हिसाब से। अगर आप गप्पी के में करना चाहते हैं तो मैं बताऊंगा दोस्तों, चाहे आप लोकल से ही शुरू करिए, फास्टली लोकल से शुरू करिए, अगर आप अच्छा थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो जाए फिर आप इम्पोर्टेड पर आ जाइए, बहुत अच्छा लगेगा इम्पोर्टेड गप्पी का ब्रीडिंग, और आपको देखने में भी बहुत सुंदर लगते हैं इम्पोर्टेड गप्पी लोकल गप्पी से। और दोस्तों रही बात मल्ली प्लाटी सोटल, तो दोस्तों ये सब का भी आप ब्रीडिंग सेटअप कर सकते हैं। मल्ली गप्पी प्लाटी जो होता है दोस्तों, ये भी गप्पी की तरह बहुत ही अच्छा बच्चे निकालते हैं, एक बार में 20-30-50-60 इस तरह से बहुत ज़्यादा बच्चे निकालते हैं, जितना फीमेल बड़ा होता है उस तरह से बहुत ज़्यादा बच्चे निकालते हैं। तो दोस्तों प्लाटी भी इस तरह के है, सोटल भी इस तरह से है, मल्ली भी इस तरह के हैं, तो दोस्तों इस तरह से करा लीजिए। थोड़ा बहुत जिस तरह से मैंने ये फ़िल्टर लगा हुआ है, स्पॉन्ज फिल्टर मिलता है दुकान पे, और दोस्तों ये भी लगा सकते हैं। और दोस्तों मैंने जो फ़िल्टर लगा हुआ है ये है हैंडमेड फ़िल्टर, ये है वायो फ़िल्टर, DIY वायो फ़िल्टर, ये भी आप करा सकते हैं। और ये किस तरह आप करेंगे मैं भी आपको प्रोसेस भी आगे बताऊँगा वीडियो पर, जल्दी ही बने रहिए। तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा जल्दी हमें कॉमेंट पर बताएं, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों जो भी दोस्त है वीडियो को देखते हैं तो थोड़ा बहुत शेयर कर लिया करें, क्योंकि एक तो एक इन्फॉर्मेशन आपको मिलती ही है, दूसरी बात आपको कोई भी दोस्त अगर छोटा सा एक बिजनेस शुरू करना चाहता है तो वो उनका भी मदद हो सके, ठीक है। तो दोस्तों शेयर कभी कभी भी कर लिया करें। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे अगले एक नए वीडियो के साथ, अगले फिर एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग।